तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द धीरेज शो में। और मैं आपका अनुराग सिंह आपके लिए आज लेकर के आया हूँ, कौन सी गाड़ी ले आखिरकार, BS4 या BS6। काफी लोगों के मेरे पास क्वेरीज आ रही थी त्यौहार के सीजन में, भाई मुझे गाड़ी लेनी, कौन से ले लूँ, BS6 ले लूँ या BS4 ले लूँ। आप सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन वीडियो देखने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, आपके लगातार लाइक ही हमारी मोटिवेशन को बढ़ाते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सी गाड़ी ली जाए, BS4 ली जाए या BS6। दोस्तों BS4 और BS6 पे जाने से पहले हम जान लेते हैं BS क्या है, व्हाट इज द BS। BS क्या होता है, भारत स्टेज, भारतीय स्टेज पे। ये एकदम इक्विवेलेंट होता है यूरो स्टेज से, जो कि यूरोपियन से है। और BS हमारा रिलेट होता है भारत स्टेज से। भारत स्टेज जो इस्टेब्लिश हुआ था सन 1999 और 2000 के बीच में लाया गया, जब सरकार ने देखा कि प्रदूषण हमारे देश में काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए BS स्टेज को लाया गया। BS2 स्टेज जो हमारा आया 2006 में, और BS3 स्टेज भी लगभग 2006-07 के लगभग आ गए थे, लेकिन इसको सही से हम इम्प्लीमेंट कर पाए अपने ऑटोमोबाइल सोसाइटी में 2010 से बड़ी गाड़ी में। और कुल जाकर के अगर हम टू व्हीलर्स की बात करें तो 2017 तक हम BS4 की गाड़ियां ला दिए थे। अब हमारी सरकार ने बोला है 1 अप्रैल 2020 के बाद जो भी गाड़ी BS6 की है उन्हीं का एक न्यू रजिस्ट्रेशन होगा, वही गाड़ियाँ बिकेंगी। तो कई लोगों के अभी क्वेरी जा रही है, भैया मैं गाड़ी कौन सी लूँ, BS4 लूँ या BS6। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही क्वेरीज है। अगर आप पेट्रोल गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आप BS6 की जगह BS4 भी ले सकते हैं। अगर आपको कुछ क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, किस चीज़ में फायदा हो रहा है, मनी में फायदा हो रहा है, तो आप BS6 पेट्रोल गाड़ी जरूर ले लें, बंद करके ले लें अगर आपको बेस्ट डील मिल रही है। लेकिन आप अगर BS4 गाड़ी डीजल सेगमेंट में लेने जा रहे हैं तो थोड़ा सोच कर ही गाड़ी को लें, क्योंकि BS4 जो गाड़ी है उसका जो फ्यूल होगा आने वाले समय में मिले या ना मिले, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो BS6 फ्यूल है गाड़ियों का चेंजमेंट किया जाएगा। क्या चेंजमेंट किया जाएगा, आइए मैं आपको समझाता हूँ अपने बोर्ड पे। जो BS4 गाड़ी में आप फ्यूल यूज कर रहे हैं उसमें जो सल्फर का कंटेंट है वो पाया जाता है 50 PPM, वही BS6 में इसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, और उसको कर दिया जाएगा कितने परसेंट, 10 PPM ही सल्फर आपको गाड़ी में मिलेगा। जब 10 PPM आपको सल्फर मिलेगा तो इसमें हम रिड्यूस कितना कर दिए, 80%। पहली बार सरकार ने बोला है कि हम सल्फर मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस कर देंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे, हमें फ्यूल यूज क्वालिटी का नहीं देंगे, 50 PPM मतलब 50 parts per million से इसको कर देंगे 10 parts per million में। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, जो सल्फर जो होता है वो एक बहुत ही अच्छा लुब्रिकेंट के रूप में उसको माना जाता है, वो हमारे ईपी ऑयल्स में एक ऐसा लुब्रिकेशन काफी अच्छा यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं ज्यादा टेक्निकली में ना जाकर के, आगे के वीडियो में मैं आपको टेक्निकली में समझाऊंगा, जो हमारी डीजल गाड़ी होती है उनमें इंजेक्टर के थ्रू जो होता है हमारा फ्यूल पास होता है कंबक्शन चैम्बर में, अगर सल्फर के कंटेंट्स गिरेंगे तो आप ये मान लीजिए लुब्रिकेशन कम होगा। जब लुब्रिकेशन कम होगा तो हमारे इंजेक्टर्स जो होंगे डीजल गाड़ी के जल्दी फॉल्टी होंगे। इसीलिए मैं दोस्तों आपको मना कर रहा हूँ कि अगर आप BS4 डीजल गाड़ी लेने जा रहे हैं तो अभी आप रुक जाइए, 1 अप्रैल 2020 में आप BS6 गाड़ी लीजिए डीजल सेगमेंट की, क्योंकि उसमें फ्यूल की क्वालिटीज के हिसाब से कुछ चेंजमेंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में किया जाएगा। अगर आप पेट्रोल गाड़ी लेने जाते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है, पेट्रोल गाड़ी में क्या होता है आपका एयर एंड फ्यूल का मिश्रण पेट्रोल गाड़ी के कंबस्टन चैम्बर में जाता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ कोई जल्दी इंजेक्टर्स नहीं होते हैं, उसमें स्पार्क प्लग से फायर होता है, इंजेक्टर से बस फ्यूल एक स्पार्क आपका इंजेक्ट कराया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10 PPM अगर 50 PPM का फ्यूल आपको नहीं मिलता है, 10 PPM का पेट्रोल मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी के इंजन में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप डीजल गाड़ी लेते हैं तो डीजल गाड़ी के सबसे बड़े आपके दिक्कत क्या आएगी, आपके इंजेक्टर्स में दिक्कत आएगी, इंजेक्टर्स जो होंगे आपके वो जल्दी से जल्दी खराब हो जाएंगे, ड्यू टू किसके रीजन से, क्योंकि सल्फर वहाँ पे लुब्रिकेट सही से नहीं दे पा रहा होगा। दूसरी चीज, BS6 में सबसे ज्यादा चेंजमेंट किस चीज को रिड्यूस किया जाएगा, अगर हम बात करें आप देख सकते हैं मैंने लिख करके रखा है व्हाट इज द इंप्रूवमेंट इन BS6, क्या चेंजमेंट किया गया BS4 से BS6 में डीजल गाड़ी में आ जाइए। नॉक्स की वैल्यू को कम किया गया, नॉक्स क्या होता है, मैं नॉक्स के बारे में आपको बहुत ही अच्छा समझाऊंगा अपने आगे आ जाए आगे वीडियो में, नॉक्स बनती कैसे इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा,
नॉक्स के मात्रा को कम किया गया, पीएम की मात्रा को कम किया गया। व्हाट इज द पीएम? पर्टिकुलर मैटर, जो थोड़े बहुत हमारे कण आ जाते हैं उनको कम किया गया है। नॉक्स जो होता है सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ करता है? कैंसर के जो रोग होते हैं लोगों को, वो नॉक्स के द्वारा ही होता है। इसलिए सरकार ने बोला भैया हमें रोगी नहीं चाहिए, हमें स्वस्थ लोग चाहिए, इसलिए आप बीएससी इसको अपनाइए। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सजेशन दूंगा, ह्यूमन नेचर के लिए गाड़ी हम क्यों चला रहे हैं? जब हमारे बच्चे नहीं रहेंगे या हमारी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेंगी, वो रोग से जाएंगे, तो हमें गाड़ी चलाने से क्या फायदा? तो मैं आपको सजेशन दूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग बीएससी की गाड़ी लें, लेकिन आपको बेस्ट डील मिल रही है तो आप बीएससी गाड़ी पेट्रोल में ले सकते हैं। पेट्रोल गाड़ी में आपको कम किया जाएगा हाइड्रोकार्बन को और कार्बन ऑक्साइड्स को। दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक करिए, और आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये सजेस्ट करूँगा कि आप पेट्रोल गाड़ी भी लें, BS4 सेगमेंट की अगर आपको अच्छे डील में मिल जाती है, वरना आप BS6 गाड़ी भी लें प्रदूषण को देखते हुए। बट आपको डील अच्छी मिलती है तो मेरा कंक्लूजन पॉइंट ये रहेगा कि अगर आपको डील अच्छी मिलती है पेट्रोल गाड़ी में, तो ज़रूर आप BS6 छोड़ करके BS4 गाड़ी ले सकते हैं। बट आप डीजल गाड़ी भी अगर लेने जा रहे हैं तो आप BS6 की ही गाड़ी लीजिए।